नए एडमिशन होने के बाद अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में अंतर महाविद्यालय प्रतिस्पर्धा और महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी रूपरेखा एक औपचारिक बैठक में बनाई गई। बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति और कॉलेजों के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जल्द ही अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं की शुरुआत की जाएगी। युवा उत्सव के तहत होने जा रहे कार्यक्रमों में करीब 2 दर्जन प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इन प्रतियोगिताओं में कुछ इंदौर के हैं तो कुछ आउटडोर कंपटीशन शामिल किए गए हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा कैसी हो और इसे सफलतापूर्वक कैसे संपन्न किया जाए, इसकी कार्ययोजना मंगलवार को GAVV के RNT मार्ग स्थित अहिल्या भवन में बनाई गई। बैठक में मंच के कार्यक्रम की रूपरेखा संबंधित दस्तावेज दिए गए, वहीं विभागाध्यक्षों के सुझाव भी आमंत्रित किए गए। बैठक में कुलपति प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। गौरतलब है कि यह प्रतियोगिताएं पहले संभाग स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर के बाद फिर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। देखिए, प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शासन के आदेशानुसार अंतर कक्षा स्तर पर जो युवा उत्सव का आयोजन है 26, 27, 28 को होगा और इसके अलावा अंतर महाविद्यालयीन युवा उत्सव का आयोजन 3, 4, 5 अक्टूबर को होने वाला था, जो हमने थोड़ा सा परिवर्तित किया है 15, 16, 17 अक्टूबर को। और इन 8 जिलों में, इंदौर संभाग के 8 जिलों में आयोजन होने के बाद जो भी टीमें चयनित होंगी उनका जो अंतर जिला युवा उत्सव है वो 5, 6, 7 नवंबर को होगा। और यहाँ जो भी बच्चे चयनित होते हैं वो राज्य स्तर में, जोन स्तर पर और नेशनल लेवल पर हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें 22 विधाओं पर आयोजन होता है और जो जोन स्तर पर हम जाते हैं वहाँ 26 विधाओं का आयोजन होता है और इसमें नाट्य कला, संगीत और डिबेट, ऐसे बहुत सारे आयोजन जो है इसमें शामिल होते हैं, जिसमें बच्चों की प्रतिभाओं को हम परिष्कृत करते हैं और उनको एक अच्छा मंच देते हैं।